गुड मॉर्निंग टू रश्मि मैम, छवि मैम, आस्फा मैम एंड डियर ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट। आई एम राजन गुप्ता, सन ऑफ जनार्दन गुप्ता एंड आल्सो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ हाइजिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। टुडे इज 25 सितंबर, विच इज नोन एज द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप सभी को कोरोना वायरस से संबंधित समाज में फैली हुई भ्रांतियों के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिसमें से पहली भ्रांति ये है कि गर्मी आने पर कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। दूसरी ये है कि गर्म पानी के सेवन से या गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। तीसरी, गौमूत्र के सेवन से कोरोना वायरस नहीं होगा, यह खत्म हो जाएगा। चौथी, कोई व्यक्ति अगर बिना खांसे, बिना छींके 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड या एक मिनट तक अगर रुक जाता है तो उसे कोरोना वायरस नहीं है। पांचवी, कि मच्छर के काटने से कोरोना वायरस हो जाएगा। छठवीं, कि सैनिटाइजर का कोविड-19 पर या कोरोना वायरस पर कोई संबंध नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं करता है। जिस सैनिटाइजर में 60% से अबव अल्कोहल होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सातवीं बात ये है कि 24 घंटे मास्क लगाना अनिवार्य है। आठवीं बात यह है कि जिसे कोरोना वायरस हो गया उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नौवां, ऐसा कहा जाता है कि कोरोना वायरस केवल बूढ़े व्यक्तियों में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब भ्रांतियाँ बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना वायरस एक महामारी है जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ही फैलता है। हमें इन सब भ्रांतियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और कुछ भी भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, और जो भ्रम हो वो WHO के वेबसाइट पर हमें देख लेना चाहिए। धन्यवाद।